हेलो गाइस, तो करते हैं आज के ब्लॉग स्टार्ट। सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और हमें यहाँ पर हम अपने खेत में क्यों आए हैं। देखो कान्हा यहाँ पे ताजे ताजे सहतूत तोड़ा, इनको हम लोग कहते हैं कीमू भी कहते हैं यहाँ पे। यह लाल लाल सहतूत, काले काले सहतूत ये हो रहे हैं बढ़िया। और मम्मी पापा जी और नीलम खुशी वहाँ पे बैठ के मतलब चाय वाय पी रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं ये लोग। तो करते हैं आज के ब्लॉग स्टार्ट और देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या नया होगा। ये तो पहुँच गया। ये देखो गाइस कितने मस्त हो रहे हैं ये काना, इतने भर लिए। देखो ये धोना इनको बढ़िया करके, ठीक है, क्योंकि इनमें मिट्टी रहती है ना, डंपर चलते हैं ना हमारे यहाँ पे, तो इससे मिट्टी आ जाती है इनमें। और कल की थकान अभी भी हमारी मिट्टी नहीं है, बस थकान मिटा रहे हैं। और सुबह नींद भी सही से खुली नहीं क्योंकि कल की थकान काफी लग रही थी 2-3 दिन से, तो गेम खेलने के लिए उठ गया होगा ना दादू के मोबाइल से। ये देखो यहाँ पे और है। हेलो खुशी, क्या हाल है बेटा? ये देखो कितने ताजे ताजे हैं, है ना, धो के खाना, ठीक है। हाँ कैसा रोशन हुआ है इनका, देखा? हाँ यार बहुत ज्यादा लाल है यार ये, और ये मस्त आ रहे हैं यार, ये मस्त लग रहे हैं बिल्कुल। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हो, बढ़िया बढ़िया लग रहे हैं। काला काला, कितना काला है। हाँ यार ये तो बहुत ही काला है। मेरे को पता है इससे भी ज्यादा लाठी कहाँ लगेगी। कहाँ? और कान्हा को पता कि उस साइड जाता होंगे तो उस साइड चले गया। और यहाँ पे ना इस वाले पेड़ में भी है एक और पेड़ हमारे पास यहाँ पे, इसमें भी देखो कितने काले काले लगेंगे, मस्त हो रहे हैं यार ये। मतलब ना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे भी होते हैं, बताते हैं इनको, पता नहीं क्या क्या होता है इनसे, लेकिन कहते हैं कि बहुत अच्छी चीज होती है स्वास्थ्य के लिए। ये देखो यहाँ पे भी यार बहुत सारे पूरे गुच्छे गुच्छे हो रहे हैं, तो देखो ये एक बार में इतने टूट जा रहे हैं। थोड़े लाल भी तोड़ दो, लाल भी अच्छे लगते हैं, खट्टे खट्टे होते हैं लाल वाले, मजा आता है लेकिन खाने में। यहाँ पे बहुत डर भी लगती है, गिर भी जा रहे हैं यार हाथ लगाते ही। कितने खतरनाक से कीड़े हैं, बिल्कुल लंबे, इतने लंबे हैं कीड़े भी इसमें। चेक करना, चेक करके खाना धो लेना बढ़िया करके, ठीक है, बढ़िया करके धो लेना, ठीक है। बहुत धोता हूँ इनको, पूरे कच्चे हैं। क्या कच्चे कच्चे रहेगा, कोई कच्चा? ये देखिए कच्चे नहीं है, ये है वो कीड़ा, कहाँ गया, भाग गया। ये उड़ रहा जो है? हाँ, ये छोटा बच्चा है लेकिन। अच्छा, इतने बड़े होते हो? अच्छा, वो क्या करते हैं वो? पता नहीं, पत्तों में आके बैठ जाते हैं, पत्ते खाते होंगे वो। देखो वो, देखो वो, देखो वो, देखो वो, काले। हाँ यार है, मैं निकाल दूँ। और यहाँ पे भी है ये वाला, बस यहाँ पे भी है काला, बहुत है यार भाई, बहुत है, नहीं तोड़ सकते इतने। चलो चलो। तो गाइस ये देखो यहाँ पे हमने ये धो दिए और ये तीसरी बार धो दिया हमने बढ़िया करके, अब ये बिल्कुल साफ हो गए खाने लायक मस्त। देखो आप पहले, मैं चक्के देखूं, अभी खाता हूँ। चलो जी अब धुल गए बढ़िया करके, इनको खाते हैं, मस्त हो रहे हैं यार ये। अम्मा को भी दे दे थोड़े, अम्मा बैठी है, बड़े अच्छे हो रहे हैं बहुत। गाइस ऐसे ना ताजा और ऑर्गेनिक चीजें जो है ना वो आपको मतलब गांव में ही मिलेंगी यार, ये हमारा बिल्कुल ऑर्गेनिक है, मतलब इसमें कोई खाद वाद नहीं पड़ी है और इतना मस्त हो रहा ना ये खाने में, बहुत ही मस्त। रोबो क्या हाल है, कैसा है रोबो, कैसा है? इससे नहीं होता ऐसा। और गाइज ये देखिए रोज की तरह ना, रोज का जो रूटीन है शॉर्ट का वो यहाँ स्टार्ट हो चुका है अभी अभी से, और ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट बन रहे हैं। तो गाइज खाना ही बन गया सुबह का, झोली चावल और हरी सब्जी है। ये देखो गाइज यहाँ पे खुशी अपने ये हवा करने वाले जो ना इनको पंख बना लिया इसने अपना, ये मजा आ रहा है, बहुत अच्छी आ रही है वैसे इससे। तो गाइज नहा धो के मैं हो गया ऑफिस के लिए रेडी, तो चलता हूँ ऑफिस को, ये इसी में लगी है ये। गाइज ये देखो ऑफिस आ गया, यहाँ कान्हा अपने दादू के साथ घूमते घूमते, ये देखो मजे करने के लिए। अब चल रहे हैं हम घर को, काफी देर हो गई इसके आए हुए, और मैं कर रहा था एडिटिंग, तो मैंने इसको उस समय इसकी वीडियो शूट नहीं करी। चलो चलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं घर को और हम लेंगे आइसक्रीम, और ये ट्रेन आ गई, ये है एक परिवार शॉप, बाय। ये देखो ब्लैक था, कब लेके था, आइसक्रीम ले लिए और चल रहे हैं घर को। चलो हेलो, लब्बू मिल गई हमें यहाँ, बाय खुशी। ये देख बेटा आइसक्रीम, मैंने सोचा था क्या आइसक्रीम आ जाती करके। अच्छा ऐसा सोची थी, लाइट नहीं है ना आज, गर्मी की वजह से, गर्मी लग रही होगी। चलो लाओ हमारी भी दो, एक मेरी, पता नहीं क्या हो रहा लाइट को। और यहाँ पे कान्हा जो अपने लाया था ना यहाँ पे कुल्फी, वो कान्हा ने अपनी बहन को दे दिया, दीदी को। अच्छी लग रही थी, कितना अच्छा बच्चा है यार, बड़ा अच्छा भाई है यार। अम्मा को एक कट कराना बस, अम्मा को शुगर है ज्यादा मत खिलाना। चार दिन से हम आइसक्रीम खा रहे हैं। हाँ यार चार दिन, चार दिन, हाँ चौथा दिन। फिर हमने कौन सा खाया, एक दिन हमने डिब्बा वाले में खाया और एक बार स्टिक। तो गाइस खाना ना खा लिया है और निकल रहा हूँ ऑफिस को, लेकिन आज खास काम ये करना है ना कि बच्चों के किताबें लानी है स्कूल की, और ड्रेस लानी है। ड्रेस अलग चेंज हो गई क्या? ड्रेस पता नहीं, हम तो स्कूल भी नहीं गए ना बहुत टाइम से, ये लोग बच्चे स्कूल नहीं गए, इनका मतलब जो रिजल्ट था वो भी लेने नहीं जा पाए हम, क्योंकि हम लोग गए थे गुड़गांव। तो चलो अब जाता हूँ, फ़ोन करता हूँ इनके स्कूल में और फिर पता करता हूँ कि क्या क्या लाना है, तो वो लेके आऊँगा इनके। तो गाइस जैसे कि बच्चों के लिए किताब लेके जाना था, लेकिन यहाँ ना हमारा मेन स्विच ऑफिस का जो वो ख़राब हो गया था, तो यहाँ पे हमारे भट्टी जो हैं दीपूदा वो आए और वो इसको सही कर रहे हैं। और बाहर जो है ना टाइम काफ़ी हो गया है, यहाँ पे 6:30 हो गया टाइम, और ये देखो अंधेरा हो रहा है बाहर। तो अब देखते हैं यार, कोशिश करेंगे, लेकिन बुक तो लानी है आज, कोशिश करता हूँ जाके।
और यहाँ मेन स्विच अब सही कर दिया गया है, टाइम लग गया सही करने में। ये देखो गाइस ये जल गया है, जलने की वजह से ये मेन स्विच जो था खराब हो गया है, देखो यहाँ पे भी जला हुआ है। ये देखो यहाँ पे अब चेक कर रहा था दीपू दा, चेक कर रहे हैं इसको, क्योंकि पहले क्या होता ना हल्का सा भी मतलब लाइट बढ़ रही थी कुछ लगा थे सॉकेट तो ये बंद हो जाता लाइट, अब ठीक हो गया। गाइस मैं पहुंच गया हूँ घर। कॉपी कहाँ आई? गेट तो खोल दे, गेट ही नहीं खोल रही, कॉपी नहीं आई। क्या कॉपी आई नहीं अभी? ऑफिस में काम करा था यार, वो बिजली का मीटर वो लगवा था, मेन स्विच खराब हो गया था ऑफिस का। अब कल नहीं, अब आज थोड़ी रात को मना कर दिया थे मम्मी ने, अम्मा ने मत जाना कर स्कूल। अब क्या कर सकता हूँ फिर मैं, जब कैसे जाता हूँ तू बता खुद ही। इतनी रात को मैं आया था जाने के लिए, यहाँ इनने मना कर दिया, बोले मत जा करके मना कर दिया था ना बेटा, इसलिए जा रहा हूँ, कल ले आऊंगा। ये देखो ये नाराज हो रही है मेरे से। अरे बेटा अगर अभी जाता ना मैं जा ही रहा था, तेरी मम्मी ने तेरे अम्मा ने मना किया मुझे, और एक बार मना कर दिया तो फिर नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं लगता जाना, दिमाग में रहता है उन्होंने मना किया, उन्होंने मना किया करके। कहते हैं भंचक लग गई, कहते हैं वही बात है, भंचक कहते हैं इसको, भंचक लगा दी। ये पूछते हैं कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, पूछो फिर बताते हैं इनको तो फिर मना कर देंगे, मत जाओ वहाँ। अब ये इनने इसलिए मना किया कि रात हो रही है, और मैंने तो लाना ही था, मैं सोचा कल सुबह भी कैसे लाऊंगा, दिन में एडिटिंग करता हूँ फिर कैसे लाऊंगा, ये सोच रहा था, और तू नाराज़ हो रही है मेरे से खाली, तू समझ ही नहीं रही बात को। कल ऐसा करना, एक कॉपी ले जाना मोटी थोड़ी सी, जो हैं पेपर पड़ी उनमें से जो भी लिखाएंगे उसमें लिख देना, फिर जब हम कल आएंगे दिन में तो वो सारा जो भी करा होगा तुम दोनों को, दोनों ऐसे करना। मतलब मैं जा सकता हूँ स्कूल? जाना स्कूल में थोड़ी कर रहा हूँ मैं, तो तू नाराज क्यों होती मेरे से? तूने कहा ना नील आए ये है, सो तब मैंने कहा तू मत जाना फिर स्कूल, अगर ऐसी दिक्कत है तो ऐसा काम है, अगर तुझे ऐसा लग रहा तो तू चले जाना फिर स्कूल। ऐसा कर लूंगा। हाँ एक कॉपी लेके जाना ना उसमें ले। हम पीछे बैठ जाएंगे, मैं बोलूंगी भूमिका से हम लोग पीछे बैठते। तेरे आँख में आंसू क्यों भर गए फिर ये? वो इसने क्या किया? अब सुबह जाएगी बताते बताते सुबह जाएगी। एक सीधे सीधे सीधी बात बता, क्या हुआ मतलब किस बात से बुरा लगा तेरे को? परेशान करा, तूने गाली दी है ना उसको आज, इसने गाली दी है इसको आज, दी है ना इसने सबके सामने, पहले तो सबके सामने हो चाहे बिना सामने हो, लेकिन दी क्यों? गलत बात। कल लाऊंगा तुम्हारी किताबें ठीक है, बुक्स भी और कॉपी भी। हाँ ऐसा कर लेना, मैम को बता देना कि कल रात को नहीं ला पाए, कल नहीं ला पाए हम तो, आज पापा लाएंगे कहना ठीक है। हाँ ठीक है। और गाइस डिनर हमने कर लिया, और खुशी देखो यहाँ पे अपना मंत्र जाप कर रही है, हो गया। और काना यहाँ पे सो रहा है, इसकी मम्मी भी सो रही है। तो करते हैं आज के ब्लॉग को एंड, आई होप दोस्तों ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। और आज इनकी बुक्स नहीं ला पाए हम, ना इनकी ड्रेस ला पाए, वो कल लाएंगे ठीक है। चलो करते हैं आज के ब्लॉग को एंड, आई होप दोस्तों ब्लॉग आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।